हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं इस वीडियो में आपको मोबाइल से दुर्ग यूनिवर्सिटी का प्राइवेट का फॉर्म कैसे डाल सकते हैं, मैं इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। और जो भी मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ज़रूर दबा देना, ताकि मेरे वीडियो के नए नए नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो वीडियो में बिना देर करते हुए चलते हैं सीधा वीडियो के टॉपिक पर। हम ओपन करेंगे क्रोम ब्राउज़र, यहाँ सर्च करेंगे दुर्ग यूनिवर्सिटी, यहाँ सर्च करेंगे दुर्ग यूनिवर्सिटी। दुर्ग यूनिवर्सिटी लिख के सर्च करने के बाद ऐसे इंटरफेस उसके ऑफिशियल वेबसाइट खुल के आ जाएगा। यहाँ देख सकते हैं ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉरम, यहाँ क्लिक करने के बाद ऐसे खुल के आ जाएगा उसके ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ देख सकते हैं ऑनलाइन इनरोलमेंट फॉरम सेशन 21-22, यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद इस तरह से इंटरफेस खुल के आ जाएगा। इसमें अपने को स्टूडेंट वाला पोर्टल पर लॉगिन होना है। तो यहाँ नए यूज़र हैं तो यहाँ न्यू यूज़र रजिस्टर नाउ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पूरा डिटेल डालने के बाद आपको यूज़र आईडी पासवर्ड मिल जाएगा। तो मेरे पास पहले से यूज़र आईडी पासवर्ड है, तो मैं सीधा लॉगिन करता हूँ। उसके बाद मैं आपको पूरे डिटेल में बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से प्राइवेट का फॉर्म डाल सकते हैं। सबमिट करेंगे, यहाँ लॉगिन हो गया है। यहाँ देख सकते हैं आप लोग, इसमें बहुत सारा सप्लीमेंट्री का फॉर्म है। कॉलेज चेंज स्टेटस यहाँ देख सकते हैं, मतलब चेंज कर सकते हैं। प्राइवेट कर रहे हैं तो रेगुलर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये तो हम सीधा बात करने वाले हैं एग्ज़ाम फॉरम प्राइवेट का। तो हम सीधा प्राइवेट वाला फॉरम पर क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद ऐसे इंटरफेस आ जाएगा। आप लोग देख सकते हैं पहले एप्लीकेशन स्टेटस, यहाँ देख पहले कोर्स सेलेक्ट करेंगे, मतलब आप किस सब्जेक्ट में करना चाहते हैं। ओ बीए बीएससी, मतलब किस सब्जेक्ट से कर सकते हैं वो सेलेक्ट करेंगे। यहाँ उसके बाद कौन से संस्था से करेंगे, मतलब कौन से कॉलेज से करना चाहते हैं वो सेलेक्ट करेंगे। मतलब उसके बाद कौन से ईयर्स में, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल, कौन से ईयर्स में आप करना चाहते हैं वो सेलेक्ट करेंगे ईयर्स। उसके बाद इसमें फर्स्ट नेम डालना पड़ेगा अपना, मिडिल नेम, लास्ट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर, नेशनलिटी डालना पड़ेगा, कैटेगरी डालना पड़ेगा, रिलीजन डालना पड़ेगा, हिंदू है तो हिंदू डालेंगे। मतलब उसके बाद मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, इसमें मतलब आप किस मीडियम से करना चाहते हैं, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, मतलब किस मीडियम से करना चाहते हैं वो सिलेक्ट करेंगे। हिंदी है तो हिंदी, इंग्लिश है तो इंग्लिश, संस्कृत है तो संस्कृत, कोई भी सब्जेक्ट मीडियम चूज करके आप कर सकते हैं। उसके बाद दिव्यांग से है तो यस करेंगे, नो है तो नो करेंगे। उसके बाद पास आउट, मतलब 12वीं कौन से शिक्षा मंडल से पास हुए हो वो लिखेंगे। यहाँ छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल है तो यहाँ छत्तीसगढ़ शिक्षा मंडल डालेंगे। उसके बाद माइग्रेशन है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। ईमेल आईडी डालेंगे यहाँ, मोबाइल नंबर, उसके बाद रोल नंबर डालेंगे यहाँ,
उसके बाद गैप सर्टिफिकेट है तो गैप सर्टिफिकेट डालेंगे, नहीं है तो नहीं डालेंगे, नो डालेंगे। उसके बाद परमानेंट एड्रेस डालेंगे, यहाँ विलेज, पोस्ट, स्टेट, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, ये डालने के बाद यहाँ सेम एड्रेस है तो सेम एड्रेस चेक बॉक्स पर चेक चेक मार्क करेंगे। उसके बाद ये सब फिल हो जाएगा, यहाँ देख सकते हैं आप। उसके बाद हो जाने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद डॉक्यूमेंट डिटेल, यहाँ से डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा, 10वीं, 12वीं, माइग्रेशन हो गए, ये सब डालना पड़ेगा। यहाँ से अपलोड हो जाने के बाद फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने करेंगे। फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड हो जाने के बाद सेलेक्ट सब्जेक्ट, मतलब आपके मतलब बीए में कौन कौन से विषय हैं वो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद पीयर रिव्यू में देख सकते हैं कि आप किस टाइप से फॉर्म डाले हैं, सही हैं या गलत है, वो देख सकते हैं। उसके बाद सबमिट करने के बाद सीधा आपको पेमेंट वाला पेज पर लेके जाएगा। आप 1610 रुपया कर सकते हैं पेमेंट। आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड किसी से भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तो जय हिंद, जय भारत।